आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, तो प्रश्न है सतत विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो सतत विकास यानी कि कांस्टेंट डेवलपमेंट, या हम कहेंगे लगातार विकास, ठीक है। सतत विकास को हम दूसरे शब्दों में लगातार विकास भी कह सकते हैं। तो एक ऐसा विकास जो कि लगातार हो रहा है, उसमें कहीं पर कोई कमी नहीं आ रही है, तो उसे सतत विकास कहेंगे। अब इसके लिए क्या चीज आवश्यक है, देखिए पहला विकल्प आपको दिया है जैविक विविधता का संरक्षण, ठीक है। तो जैविक विविधता का संरक्षण का अर्थ होता है जो हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरीके के जैविक जैविक घटक या फिर अजैविक घटक, ठीक है। तो पृथ्वी पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जैविक घटक रहते हैं, और जैविक घटक का अर्थ होता है ऐसे सभी जीव जो कि सजीव हैं, ठीक है, जिनके अंदर जान होती है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, मनुष्य। तो ये सभी जैविक हैं, और इनमें क्या होती है, विविधता होती है, क्योंकि सब जीव जो है वो एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में अलग हैं। तो इन सभी जैविक विविधता का संरक्षण करना, ठीक है। तो अगर ये सभी संरक्षित हैं, इन सबको हमने बचाकर ध्यान से रखा हुआ है, ठीक है, तो पृथ्वी पर लगातार विकास हो सकता है। अगर किसी भी एक स्पीशीज में कमी आ जाती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो कुछ कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पे हैं, जिनमें से बाघ भी एक है, ठीक है। तो बाघ को बचाने के लिए हमारी सरकारें अनेकों ने प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जैविक घटक अगर पृथ्वी से निरस्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो उसका पृथ्वी की पर जो जीवन है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो जैविक विविधता का संरक्षण विकास के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा विकल्प है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। तो पृथ्वी पर लगातार सतत विकास के लिए प्रदूषण को खत्म करना बहुत जरूरी है, तो यह भी एक जरूरी घटक है। तीसरा विकल्प है निर्धनता को घटाना। तो पृथ्वी पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि निर्धन हैं, गरीब हैं, ठीक है, तो वो भी पृथ्वी का एक पार्ट है, इसीलिए निर्धनता को घटाना भी एक जरूरी घटक है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न था जिसमें पूछा गया है सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो पहला विकल्प भी सही है, यह भी आवश्यक है, प्रदूषण का कम होना भी आवश्यक है, निर्धनता का कम होना भी आवश्यक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प चार, यानी ये सभी, ठीक है, ये सभी चीजें जरूरी हैं अगर हमें पृथ्वी पर सतत विकास चाहिए तो, ठीक है। तो सही जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा आपका विकल्प नंबर चार, यानी चौथा विकल्प सही है, ठीक है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।